की स्कूल ऑफ आर्ट्स की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस वर्ष अपने 19 वर्ष पूरे किए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने हर तबके के कलाकारों को अपने यहाँ शिक्षित किया, उनके टैलेंट्स को बढ़ाया और आज पूरे झारखंड, मैं यूं कहूँ कि झारखंड नहीं पूरे देश में ही इन कलाकारों की काफी ख्याति हुई है और काफी लोगों ने बहुत सारे अवार्ड्स पाए हैं। अवार्ड पाना एक उत्साहन भर है, मैं ये मानता हूँ। शिक्षित होना और कला के क्षेत्र में अच्छा काम करना, आगे चल के इनके चारित्रिक परिवर्तन भी होते हैं कला के माध्यम से, ये हमने देखा है। और इनके काफी स्टूडेंट्स को भी मैं देखा हूँ और इनमें काफी ऐसे बच्चों को इन्होंने प्रोत्साहित किया जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, अपने से उनके रंग की व्यवस्था की, उनके सामान की व्यवस्था की, यहाँ तक कि ड्रेस की भी व्यवस्था की और इन लोगों को काफी प्रोत्साहन दिया। इससे हुआ ये कि अभी हमारे देश में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है कला के प्रेम से अधिक प्रकृति के प्रति प्रेम करना। अगर आप किसी भी व्यक्ति को प्रकृति के प्रति प्रेम हो जाए तो उसकी कला की जो क्षमता है वो खुद बढ़ जाती है। और इस इंस्टीट्यूट में धनंजय कुमार जी ने ऐसी व्यवस्था रखी है जिससे सारे लोगों को बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है दूसरे बच्चों, दूसरे टैलेंट्स के साथ बैठ सीखने का और काम करने का। मैं इस इंस्टीट्यूट को और विशेषकर धनंजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक छोटे से शहर में इस कदर एक चीज को उत्कृष्ट ढंग से डेवलप किया जिससे काफी लोगों को फायदा हो रहा है। और आने वाले सालों में मैं समझता हूँ कि और बहुत सारे वर्ष ये पूरे करें और हमारे झारखंड से टैलेंट्स को निकाल कर लोगों के सामने लाएं।